Welcome back to my YouTube channel. तो आप लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी इंस्टाग्राम पे हॉल वीडियो बनाने की. हम दो दिन लगातार कितनी शॉपिंग करके आए दिखाओ भाई. इस फ्रेम में कल पूरा भी नहीं आएगा सारा सामान. इतनी सारी शॉपिंग में क्या है, पागल हो गए थे. अभी हम हैदराबाद आए हैं, हमें 3-4 दिन हुए हैं और हमने स्टूपिडली इतनी सारी शॉपिंग करी है. तो हमने सोचा हॉल वीडियो बनाते. ओ प्लीज, मेरी गलती नहीं है. ये तो आते ही ये बंदी लैंड कर रही थी, 2 घंटा भी नहीं हुआ और ये एकदम हमने इसको सीधा मॉल ले गए. मतलब क्लास बस एक अटेंड किया है. पूरे वीक में एक क्लास अटेंड किया, 2 बार अब मॉल आया हूँ. अच्छे सॉरी बोलने नहीं जा रहा. अरे बोलो तुम, तो डरो मत. फर्स्ट पीस तो मैं ये दिखाती हूँ जो मैंने पहना हुआ है. हम तीनों ने एक्चुअली पहले वही दिखाते हैं. पहले H&M दिखा रहे हैं, फॉरएवर से हमने छोटा मोटा करा. सो दिस इज द फर्स्ट आइटम दैट वी गॉट. दिस इज अ पिंक स्वेटशर्ट, मैंने मेन सेक्शन से ली थी एंड दिस वाज फॉर 999. क्वालिटी के हिसाब से काफी सही है और मेन सेक्शन में इतनी सस्ती नहीं. कुछ तो 2400 के आसपास, बट ये बहुत अच्छी है, मुझे बहुत क्यूट लगी. ये एक्चुअली जगह को पसंद आया था, बट हाँ मैं बहुत मन था लेने का, बट मैंने ऑलरेडी ग्रीन ये अगली ग्रीन कलर के बहुत कपड़े ले लिए थे तो मुझे लगा मुझे नहीं लेना. तो फिर मैंने अपने साइज में से रह लिया. दिस वाज फॉर 400. कर दो यार, आप ही कर दो. इस बंदी को जिंदगी में कभी शर्म नहीं आती है. रोड में इतने ड्रामे बैठे, 10,000 लोगों के सामने ड्रामे बैठे थे, अभी हमारे सामने कोई नहीं बैठा है, इसको शर्म आ रही है. ये टॉप 200. लेकिन मैंने ये 200 में ली है और ये टॉप मेरे पास सेम है, ऑरेंज कलर टाल वाला मटेरियल है, काफी अच्छी टॉप है. नेक्स्ट आइटम मैं ये लोअर कैसे दिखाऊंगी इसको गाइस. और लोअर सेकेंड आइटम गाइस, ये भी मैंने मेन सेक्शन से लिया था और ये लोअर काफी अच्छे, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है. और मेन सेक्शन में दिस वाज फॉर 699. मतलब विमेन में भी लोअर इतने सस्ते नहीं थे. आई गॉट फॉर स्कर्ट वाज फॉर 249. बताओ गाइस रोशनी वाले प्राइस एंड द ओरिजिनल प्राइस वाज 699. दिस इज सो क्यूट बट इट्स वेरी शॉर्ट. एंड द नेक्स्ट आइटम मैं सेकंड पीस वाज दिस. ये फॉर्मल टाइप का, लेकिन ये भी बहुत मिनी है पहनने पे. ऐसे यहाँ पे नीचे से पॉकेट दिखता है, फॉर्मली पहन सकते थे अगर पॉकेट ना दिखता. अगर नहीं पहन सकती मैं और दिल्ली वाले H&M पे गाइस मैंने देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी और उसमें सेल पे नहीं थी. और ये 1500 का है लेकिन हमें 400. तो गाइस ये नेक्स्ट मैंने लिया व्हाइट कलर की टॉप, ये बहुत सुंदर है. जैसे वेस्ट टाइप होता है ना, वेस्ट कोट टाइप, वैसे ये और गंदी हो गई. दिस वॉज फॉर 149. बताओ 149. और ये बहुत सुंदर लग रही थी, कॉटन इसका मटेरियल है और ये मैं लेयर करके भी पहन सकते हो, वैसे भी पहन सकते हो. ये कितनी कूल लगेगी है ना, कितनी कूल लगेगी. नेक्स्ट एनीवेज मैंने ये लिया, पता नहीं क्यों रानी का एकदम फॉर्मल आ गया है. एनीवेज जस्ट इग्नोर दिस टू स्टूपिड पीपल. ये काफी क्यूट सा ड्रेस है, इसकी ओरिजिनल बोल इसकी ओरिजिनल प्राइस 1499 है और मैंने 299 में लिया है. बहुत सही मिल गई. तो ओके सो द थर्ड आइटम इज दिस जीन्स. और मेरे को ये बेसिक है, जीन्स को मेरे को चाहिए, कलर में बस था नहीं तो मैंने ये ले लिया. 799 में मिल रहा था तो इट वाज अ स्टील डील. नेक्स्ट आइटम गाइस मैंने लिए ब्राउन कलर की शॉर्ट्स. जब मैं दिल्ली H&M गई थी तो मैं इसमें सेम व्हाइट भी लेके आई थी, ग्रे भी लेके आई थी. मैं ब्राउन भी ली हूँ, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी. कैजुअल कपड़े मुझे लेने थे. दिस वाज फॉर 399, ऐसे 800 के. बहुत अच्छी लग रही. मेरी मम्मी तो कसम से मुझे ना लेने देती है, पूरा पजामा वाला मटेरियल है. बहुत 800 का और हमें मिला 250. कच कच कर रही पूरी वीडियो में, आ गई कच कच कच. सेम पैंट लिया बट ब्लू में लिया. नेक्स्ट आई फिर से आ गई है मेरी अगली ग्रीन स्वेटर. वाओ, खुद ही कपड़े इतने खरीद खरीद के उसको अगली बोले जा रहे हैं. अगली नहीं है यार, प्यारा कलर है. मैंने बोल दिया ना मुझे अगली, मुझे ना काफी प्यारा कलर, तभी मैंने लिया. कलर तो अच्छा, देख मैच कर रहा है, देख
गाइस मैं नेक्स्ट वीडियो में पहन के आने वाली हूं। लुक दे देगा आपको, प्यारा तो लग रहेगा, ये साथ में लग रहा है थोड़ा सा। दिस वॉज फॉर 799 वैसे इसका ओरिजिनल प्राइस 2300। काफी सही मिली है और इसका काफी अच्छा मटेरियल है और ये पहन के बहुत सुंदर लग रही है, जेन्युइनली बहुत अच्छी। मैंने बहुत सेक्सी सा टॉप लिया है, शायद आप लोगों को भी दिखा। ये तो बहुत सेक्सी है गाइस, मैंने भी लिया था पिछली बार, अभी तक नहीं पहना है, पिछले सेल में लिया, नहीं पर्पल एंड व्हाइट है। और इसकी ओरिजिनल प्राइस है 800 और मुझे मिली 300 में। बहुत सेक्सी लग रहा है। यू माइट सी हर वेयरिंग दिस इन सोमालैंड। मेरी मम्मी इसको हैंकी भी नहीं बोलेंगी, मुझे नाची होता है। तो ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट पीसेस है, सच में बहुत सुंदर लग रहा था। एक फोटो डाल लूं मैं इसकी जो तूने पहनी थी? नहीं प्लीज, आउटफिट रिवील हो जाएगी। चलो ठीक है गाइस, ये सोमालैंड में पहने की मैं इंस्टाग्राम पे आप देख आए हो कि सिर्फ ये टाई वाली डिटेलिंग आती है आगे। सेट नहीं था, ये अलग अलग पीसेस थे, तो मुझे ये मिल गया लकड़ी कहीं पे। पूरा नीचे से शियर है, पूरी लाइनिंग नहीं है, बस यहाँ तक है। ये टॉप था 399 का, लोअर था 1299, इसमें 1000 भी ज्यादा डिस्काउंट, इसमें डिस्काउंट नहीं है ज्यादा। गाइस फॉर वेरी फेमस ब्लेजर, इंस्टाग्राम पे मैंने पूरी स्टोरी बताई है इस ब्लेजर की। फर्स्ट डे जो हम गए थे मुझे ब्लेजर बहुत अच्छा लगा था क्योंकि मुझे बहुत सस्ता लगा था। दिस वॉज फॉर 1300 पहन के पूरे चेन्नई में घूमी भी हूँ। फिर मैंने एंड में मेरा बजट बहुत ज्यादा हाई हो गया तो मैंने इनसे पूछा कैसा लग रहा, तीनों ने मेरे मुंह पे बेइज्जती कर दी कि अच्छा नहीं लग रहा, तो इन्हें छोड़ दिया। बट फिर मैंने घर आके प्रिया को मैसेज किया तो उसने बोला तेरे को लेना चाहिए था। वैसे हमसे बस ब्लेजर की वजह से सेकंड बार गए हैं चलो, नहीं तो हम शायद ना जाते। और मुझे मिल गया, दिस वाज द ओनली पीस, अगर मुझे ना मिलता तो मुझे बहुत बुरा लगता। थोड़ा लूज तो है बट मुझे काफी अच्छा लगा। खत्म हो गया शायद मेरे, खत्म हो गया। अच्छा ये सॉक्स बचा गाइस, नैन्सी अभी फॉरएवर 21 की सॉक्स दिखाएगी आपको, इतनी सुंदर है वो, इतनी सस्ती यार, क्यूट है यार। इसने फॉरएवर 21 से सॉक्स दिखाई 350 रुपीज की, दो थी ना, और मैंने इसको बाहर निकल दी गाइस, इतनी एक्सपेंसिव ली है तूने और इतनी गंदी। दो ही पीस थे, एक मैंने ले लिया, एक रागी ले लिया, बट फिर शेयर कर रहे और मैंने ज्यादा रखा है, सेकंड दिया मैंने ऑलरेडी फॉलोअर वाली स्कर्ट है जो रागी में दिखाई थी वही वही। मैंने ब्राउन और बेज बहुत सारे ले लिए। नेक्स्ट मैंने लिया है येलो स्वेट शर्ट, पता नहीं मैंने क्यों इतनी स्वेट शर्ट ले लिया, विंटर खत्म होने वाली है, विंटर पड़ती भी नहीं है, नहीं आती जनवरी, और पूरे विंटर हमने बस एक निफ्ट की होड़ी पहनी है भाई, उसको तो ये खत्म कर दिया, बहुत फेवरेट, डेली जाके मैं सिर्फ वही पहनी है, मैंने भी घर में बहुत पहना है। कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट विंटर बहुत पहन लूंगी इन कपड़ों को, ऐसी बात नहीं है। ये सस्ती थी, दिस वॉज फॉर 700 बट इसका ओरिजिनल प्राइस है 1500। काफी क्यूट है, सिंपल बेसिक टी टी वाली मोटी। नेक्स्ट आइटम ये बेसिक टॉप है क्यों बनी तरीके से बोल रही है, मैं खुद में आ गई, रुको मुझे वापस से दूसरा बनना दो, सेकंड पर्सनालिटी नहीं गाइस अभी हॉल खत्म हो रहे हैं गाइस तो मैंने ना आई मुझे नहीं आ रहा अभी तूने अपना YouTube चैनल शुरू करना था नहीं मिलेगी सरोजनी से भी सस्ता है चेन्नई में, बताओ। और ये बेवकूफ बच्चे छोड़े शेयर कर लेते यार, वहाँ याद नहीं आया, बस लेकिन नहीं आया कर क्यूटी क्यूटी। ओके ये भी एक टॉप ही है और टू सुंदर लग रही थी, यहाँ पे मून बना हुआ है इसलिए ये इसके कारण मैंने ले लिया। अच्छा अच्छा हाँ हाँ, इसकी ओरिजिनल थी 799, मैंने 249 में ले लिया। वाओ आइटम है मेरा। अच्छा गाइस हमारा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि हम रोज जॉगिंग पे जाने वाले हैं क्योंकि अभी शुरू नहीं हुआ। दिस इज माय YouTube वीडियो एक्चुअली नहीं हुआ है हमारी जॉगिंग, बट कल इन्होंने डिसाइड किया था सुबह उठेंगे, हमारा फॉल देता है, चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे बंदा, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे ठीक है। न्यू ऑर्डर कर दिए जूते वूते और मैंने कपड़े तो फुल कपड़े है, तो मैंने कपड़े भी ले लिए, हिम्मत आ जाएगी हमारे अंदर। स्पोर्ट्स सेक्शन में से उठाया था, दिस इज फॉर 800 वैसे 1500 का है, ब्लैक लेगिंग है बट काफी अच्छी क्वालिटी है, बिल्कुल भी शेयर नहीं है। मेरे दो आइटम वहीं पर है, पर क्या हो गया मुझे ये लास्ट आइटम है।
कम. ये बेसिक सी ड्रेस है लैवेंडर कलर में, 250 में थी इसलिए मैंने. मैंने आज के लिए कपड़े निकाले, आज सुबह हमने जॉगिंग किया था, मैं रात को निकाल के रखे. ये मैंने शॉर्ट्स लिए गए, बाइकर शॉर्ट्स, ये भी स्पोर्ट्स सेक्शन में से थी. दिस इज फॉर 1300, मुझे 300 रुपए में मिली है यार. क्या मस्त डील है, उसकी भी बहुत अच्छी क्वालिटी है. ये भी स्पोर्ट्स सेक्शन में से दी थी, मतलब दिस इज फॉर 250, वैसे 800 के. लास्ट आइटम गाइस जो रागी ने ढूंढ के दिया था, ये वैसे स्पोर्ट्स में नहीं है, मैं अपनी साइज का ढूंढ रही थी, मिला नहीं मुझे. हाँ, लेगिंग है तो 250 का था इसलिए मैंने लिया. लास्ट आइटम गाइस, हेयर बैंड. मुझे ऑब्सेशन हो गया गाइस हेयर बैंड का. मैंने H&M से 5 हेयर बैंड खरीदे हैं, 99 रुपीज का है गाइस. सिर्फ वैसे इसकी MRP 400. हाँ तो गाइस मैंने ये मैंने ले लिया सब. जंगू ने ये तीनों आइटम गाइस मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे. मैं थोड़ी बेवकूफ सी हूँ ना, तो मुझे ये नहीं लेना, मैंने एनीवे रिटर्न करना. मैंने ब्राउन ऑलरेडी काफी ऑर्डर कर लिया भाई. मैंने गाइस मैंने ब्राउन ऑर्डर कर लिया था, और मैं ये ऑफलाइन जब लेने गई तो मैंने ब्राउन शॉर्ट्स ले ली. मुझे याद ही नहीं था कि मैंने ऑर्डर करी है. बट मैं जागृति घटियाल थोड़ी सी बेवकूफ हूँ, तो मुझे याद नहीं रहा, इसलिए मैंने रिटर्न कर दिया. ये रिटर्न कर दूंगा, इसलिए काम की नहीं है मेरे. ये ब्लैक वाली है, ये तो बहुत सुंदर है. इसकी मटेरियल बहुत बहुत तरीके से स्टाइल हो सकता है, इसीलिए मैंने मंगाया. 800 लिखा है, बट मैंने ज्यादा 550 का मंगाया शायद. और फिर जागृति कटियाल ने ये पैंट ऑर्डर, फॉर्मल कपड़े लेने गाइस, काफी अच्छा फॉर्मल का, और काफी अच्छा मटेरियल है. टेलर पैंट और ये कितने का? 750 का. हेयर बैंड, तीन हेयर बैंड गाइस ऑनलाइन मंगाए थे. एक बिल्कुल प्लेन ब्लैक है, एक लैवेंडर कलर है, और एक सेट वाला है. थैंक यू सो मच, कितनी गंदी है यार, इतनी गंदी है. ये दाड़ों से H&M हॉल गए, सिर्फ फॉरएवर गए. फॉरएवर से फर्स्ट टाइम तो कुछ नहीं गया था. एक्सेसरी भी थी काफी अच्छी, मैं लेने वाली थी, बट मेरे पास बहुत एक्सेसरी है, छोड़ दिया. बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत क्लासी है, सबके साथ जा रहे हैं. दिखाओ सॉक्स, सॉक्स. और ये 180. हाँ 180, मतलब ये ओरिजिनल प्राइस थी इसकी 400 और 40% डिस्काउंट, तो 180. असली थी, इन्होंने मुझे बहुत डांटा था. मैंने इसको बोला था सेकंड डे जो हम जा रहे हैं सॉक्स लेके जाए, रिटर्न करेंगे. 360 में भी वो सस्ता ही है, अगर आप ओरिजिनल प्राइस से लेने जाओ. मैं थोड़ी भावुक हो गई, सही बात है. बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट तो है. दो लोग ने वाउच कर दिया, बनी हुई है इसमें, ये व्हाइट वाली और यहाँ पे रेड वाली. सबसे अच्छा पार्ट आ चुके गाइस, सबसे अच्छा. नैन्सी सुनाएगी इसकी स्टोरी. हाँ तो हम फर्स्ट डे गए थे, तो मैंने एक व्हाइट बूट्स थी और एक ब्लैक बूट्स थी, और मैंने ब्लैक वाली भी नहीं ली क्योंकि मुझे बड़ी हो रही थी. घर आए वापस, हमने थोड़ा रिग्रेट किया. इसका बहुत मन था, 40% ऑफ था, मतलब ये बहुत सस्ते मिले थे. जग्गू को व्हाइट वाली बहुत पसंद, मुझे व्हाइट बहुत अच्छी लगी थी, बट मेरा साइज ही था ना, पक्का फर्स्ट डे ली थी. बहुत अच्छी क्वालिटी के बूट्स थे, ना इसको साइज मिला ना मुझे साइज मिला, तो मायूस होकर घर वापस आ गए. ये पूरा दिन उस दिन बोली मुझे बूट्स डे कहीं से बूट्स ले दो, हम ऑनलाइन भी ढूंढते रहे. कुछ सेकंड डे भी तो हम गए, तो इसने बोला मुझे बूट्स लेने. हम इतनी सारी शॉप गए, लाइफ स्टाइल वाले सब जगह देखे, कहीं भी बूट्स नहीं थे. पता नहीं मुझे क्या इंट्यूशन आई कि हम एक बार फॉरएवर 21 वापस चले, जबकि हम ट्राई कर चुके थे. फिर भी मैंने कहा चलो एक बार जाके देखते हैं. और पता नहीं मैं तो बेवकूफ हूँ, ये भी बेवकूफ चल भी लिए. कोई तो बोल सकता था कि पागल कर रहे थे. इसने व्हाइट वाले ट्राई नहीं किए थे, इसने ब्लैक ट्राई किए थे. तो कल इसने बाय चांस व्हाइट ट्राई कर लिए, और व्हाइट शूज बिल्कुल इसी का साइज था. तो हम बिल्कुल हैरान हो गए, बट इसको ब्लैक चाहिए थे. तो फिर मैंने देखा एक थर्ड पेयर ऑफ शू भी वहां पे मैनिक्विन ने पहना हुआ था. मैं कहा भैया ये कौन सा साइज है? तो वो साइज मेरा ही साइज है. मैं कहा भैया ये तो बड़ी बदतमीजी है, मुझे कल क्यों नहीं दिखाया? मैं मैनिक्विन से उतारा, देखो उन्होंने उतारा कैसे, वो गार्ड भैया ने मैनिक्विन कैसे पकड़ा और दूसरे वाले ने नीचे उतारा. उसके बाद हमने बाहर पढ़ा था कि तीन अगर आप चीजें लेते हो तो उसके ऊपर ही पढ़ा था. हाँ इसमें बोला था यू विल गेट 50% ऑफ. मैंने तो डिसाइड कर लिया था मुझे ब्लैक लेने है, इसने भी ले लिया था कि मैंने एक लेने, तो मैं तीन के ऊपर ऑफ मिल रहा था. तो फिर हमने मैनिपुलेशन करी एकदम. ये बदली बिल्कुल, मतलब सोच के भी नहीं आई थी मैं बूट्स लूंगी, एक पैसा भी नहीं खर्चूंगी. पूरी जिंदगी भर रिग्रेट करेंगे, इतने सुंदर बूट्स. बट गाइस जिन्होंने बूट्स दिखा दे हम रो देंगे लोग. टन टन टन, मेरा जब सेम है, टन टन करेंगे.
बहुत अच्छे लगे, इसकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छी। इसको मैं इतना पहनूंगी अब पूरी जगह मैं यही पहने दिखूंगी आप लोग। बट ये हम दोनों के 2000 रुपीज के पड़े और इसके 1600। So that was the haul, guys. आप हमें नीचे बताओ what was your favorite item? और ये total खर्च कितना होगा? हमें बताना ही नहीं, हमने सबके प्राइस बता दिए, जिसको चुलोगे वो ऐड कर लो, हम नहीं बता। किस दिल पे बहुत दर्द हुआ था, अब पूरे साल मैं तो शॉपिंग करने वाली, इनका मुझे नहीं पता। मैं तो एक जल्दी नेक्स्ट हॉल वापस आएगा, नहीं करी दूंगी पक्का बर्थडे में। चलो दैट वॉज इट फॉर द हॉल गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। If you enjoyed this video, please don't forget to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Shopping करने जाने बोलो ना। Guys, बहुत अच्छी सेल लगी है, होपफुली ये वीडियो मैं कल ही डाल दूंगी, आप कल ही देख लोगे, तो संडे परसों जाके ले लेना सारे कपड़े, लूट लेना कपड़े। Bye.